आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा है आंसर सही। ऐसी ही सिचुएशन तब देखने को मिलती है जब आप एक स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि मेरे लिए क्वांट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड सही है या फिर निपॉन म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड सही है। इस वीडियो में हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं ZFunds। ZFunds जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही ZFunds ऐप डाउनलोड करें, शुरू करें अपनी डेली SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। इस वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स पर करेंगे क्वांट और निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को कंपेयर। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले उसके पास्ट रिटर्न्स को देखा जाता है, इसलिए सबसे पहले आइए हम इन दोनों फंड्स के 1, 3 और 5 सालों के सालाना रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं और साथ में देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स को। आप इस ग्राफिक में क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप फंड के पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स देख सकते हैं। निपॉन ने पिछले 1 साल में दिया है 51.38% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 31.03% का एनुअल रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 35.78% का एनुअल रिटर्न। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में दिया है 59.6% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में दिया है 29.55% का एनुअल रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 44.29% का एनुअल रिटर्न। और अब देखते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के रिटर्न्स। इस कैटेगरी ने पिछले 1 साल में दिया है 49.04% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में दिया है 23.75% का एनुअल रिटर्न और पिछले 5 सालों में दिया है 30.78% का एनुअल रिटर्न। जी हाँ, इन दोनों फंड्स ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैटेगरी से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि 1 साल और 5 साल में निपॉन के मुकाबले क्वांट ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पिछले 3 सालों में निपॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस क्वांट स्मॉल कैप फंड से बेहतर रहा है। आइए अब बात करते हैं इन फंड्स के पीई रेशो की। पहले जानते हैं कि पीई रेशो होता क्या है। कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम स्टॉक्स का एक कलेक्शन होती है। इन सभी स्टॉक्स के पीई का वेटेड एवरेज ही म्यूचुअल फंड स्कीम का पीई रेशो कहलाता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पीई रेशो है 27.73, वहीं निपॉन स्मॉल कैप फंड का पीई रेशो है 32.44। निपॉन स्मॉल कैप फंड का पीई रेशो अधिक है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो ओवर वैल्यूड है। वहीं लो पीई रेशो का मतलब ये नहीं है कि क्वांट के फंड मैनेजर्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीई रेशो से ये पता चलता है कि जिस फंड का पीई रेशो अधिक है उस फंड के मैनेजर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। यदि फंड का पीई रेशो लो है तो फंड मैनेजर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बाद से वैल्यू इन्वेस्टिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वहीं कोरोना से पहले ग्रोथ इन्वेस्टिंग के फंड्स ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। आइए अब बात करते हैं दोनों फंड्स के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं 56,468 करोड़, लगभग 56,500 करोड़ का फंड है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का AUM है 22,967 करोड़। ये AUM समय के साथ बदलता रहता है। जितना फंड का AUM होगा, अक्सर ये देखा गया है उस फंड में उतने ही ज्यादा स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप ₹100 से अपनी मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू करने के लिए आपको ₹1,000 की SIP करनी हो। इन दोनों फंड्स में लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 है। दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स में आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। दोनों ही फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। बात की जाए अगर फंड मैनेजर्स की, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड समीर रच मैनेज कर रहे हैं, वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर संजीव शर्मा। आइए अब देखते हैं दोनों फंड्स के एसेट एलोकेशन को। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 91% अपना AUM इक्विटी में एलोकेट किया हुआ है और जबकि कैश में इसका एलोकेशन लगभग 4% है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर एसेट एलोकेशन देखा जाए तो इस फंड का 98% AUM इक्विटी में है और बाकी पैसा कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है। आइए अब देखते हैं इन फंड्स के कौन से सेक्टर में है इक्विटी एलोकेशन। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कैपिटल गुड्स में एलोकेशन है 21.3% का,
फाइनेंशियल सर्विसेज में एलोकेशन है 12.4% का, सर्विसेज सेक्टर की कंपनियों में है एलोकेशन 10%, कंज्यूमर स्टेपल्स में है कॉन्ट्रीब्यूशन 8% और हेल्थ केयर में है 7.2%। इस फंड का 7% AUM केमिकल्स से जुड़ी कंपनीज में है। वहीं क्वांट के स्मॉल कैप फंड में फाइनेंशियल सर्विसेज में एलोकेशन है 25.6% का, सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में है 11.9%, कंज्यूमर स्टेपल्स में है 6.6%, हेल्थ केयर की कंपनियों में 8.2% एलोकेशन है AUM का और एनर्जी से रिलेटेड कंपनियों में 14.7% एलोकेशन है। आइए अब देखते हैं दोनों ही फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को। निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के AUM का 6.54% है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 11.38% है मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फंड मैनेजर्स ने 53.92% का एलोकेशन दिया हुआ है। वहीं क्वांट के स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन है 12.27%, मिड कैप में है 9.92% और स्मॉल कैप कंपनीज में है 39.65%। निपॉन स्मॉल कैप फंड 215 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाए हुए है। जी हाँ, इस फंड में आप पाएंगे 215 स्टॉक्स। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 2% से ज्यादा का एलोकेशन किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं किया हुआ। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 93 स्टॉक्स हैं। इस फंड का सबसे बड़ा एलोकेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसके बाद HDFC बैंक में और फिर जियो फाइनेंशियल में। इस ग्राफिक में आप इन तीनों स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर देख सकते हैं, यानी बहुत ओवरवेट है ये फंड इन तीनों स्टॉक्स में। इन तीनों स्टॉक्स के प्राइसेस में अगर गिरावट आती है तो इस फंड के NAV में भी इस गिरावट का सीधा इम्पैक्ट होगा। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बेहतर है। जहां क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने रिटर्न्स डिलीवर करने में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, वहीं निपॉन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग एज वेल एज ग्रोथ इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड है, वहीं निपॉन स्मॉल कैप फंड एक हाईली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड निपॉन स्मॉल कैप फंड से ज्यादा वॉलेटाइल है। इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टर्स का रुझान है, लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM साइज बेहतर रिटर्न्स देने में एक अड़चन पैदा करता है। इतने अधिक AUM के फंड के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इस फंड मैनेजर को लिक्विडिटी जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आई तो क्वांट के स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स देखने पड़ेंगे। हमारे इस एनालिसिस के बाद हमने ये कंक्लूड किया है कि इन्वेस्टर्स को अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें बंधन स्मॉल कैप फंड या ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप फंड और ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन फंड्स पे बनाए गए हमारे डेडिकेटेड वीडियोस देखें या आज ही बात करें अपने ZFund एक्सपर्ट से। ZFunds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।